क्रिकेट से जुड़ी किसी भी खबरों के लिए SB वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। नमस्ते दोस्तों, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला साउथैम्पटन में खेला गया। बेहद रोमांचक इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने मजबूत मेजबान इंग्लैंड पर 4 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज की शुरुआत बेहतरीन तरीके से किया। इस मैच में वेस्टइंडीज टीम की जीत के हीरो ब्लैकवुड रहे, जिन्होंने दूसरी पारी में संघर्ष करते हुए टीम के लिए 95 रन की अहम पारी खेली। इसके अलावा टीम के गेंदबाज सैनन गैब्रियल की भूमिका भी काफी अहम रही, जिन्होंने मैच की दोनों पारियों में मिलकर कुल 9 विकेट झटकाए। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे है। इस मुकाबले में गैब्रियल को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इंग्लैंड की टीम को बेन स्टोक की कप्तानी में पहले मैच में ही हार का सामना करना पड़ा, जो रूट ना होने की वजह से उन्हें मिली थी टीम की कप्तानी। वहीं जो डर पहले से इंग्लैंड को सता रहा था कि वही हुआ और कैरेबियन गेंदबाजों ने मेजबान टीम के बल्लेबाजों की एक नहीं चलने दी। कोविड-19 महामारी के बीच खेली गई इस टेस्ट के दौरान रोमांच अपने चरम पर रहा और क्रिकेट फैंस को एक शानदार मुकाबला देखने को मिला। आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच की पहली पारी में इंग्लैंड की टीम ने 204 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। वहीं वेस्टइंडीज टीम ने पहली पारी में 318 रन बनाए। इस तरह से मेहमान टीम को 114 रन की बढ़त मिल गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने 313 रन पर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ वेस्टइंडीज टीम को जीत के लिए 200 रन का लक्ष्य मिला और वेस्टइंडीज टीम ने 200 लक्ष्य बनाकर इस मैच को जीत लिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और क्रिकेट जगत से जुड़ी खास खबरों के लिए SBWorld YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।